नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज मैं आपको हमारे देश के गद्दार पत्रकार और कुछ गद्दार नेता और कुछ गद्दार लोगों की असलियत बताऊंगा और इनको देश से भगाने के लिए भी एक प्लान बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी गंदा कपड़ा होता है उसमें बहुत सारा मैल लगा होता है और उसके ऊपर साबुन मल दिया जाए, खड़ी साबुन पील के मला जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें गंदगी अलग निकल जाती है और अच्छी चमकदार चीज होती है वो अलग दिखने लगती है। वैसा ही कुछ हुआ जेएनयू के मुद्दे पर। 3-4 दिन के अंदर इन गद्दारों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है, असली चेहरा दिखाना सबके सामने शुरू कर दिया है। हमारे देश के पत्रकारों ने भी बता दिया कि ये कितने देशभक्त हैं, इन्होंने भी बता दिया और इसके साथ हमारे नेता इन्होंने भी बता दिया। सबने अपना चेहरा आज दिखा दिया है देश के सामने। खैर कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं एनडीटीवी से। एनडीटीवी के पत्रकार को कोर्ट के बाहर पीटा गया। पीटने के बाद हमारे देश के ग्रेट इंडियन मीडिया यानी कि इन जोकरों ने पूरी रैली निकाली, एक मार्च निकाली। क्यों पीटा गया पत्रकार को? ओके, अब ये क्यों पीटा गया पत्रकार को, जरा उसी पत्रकार की जुबानी सुनिए जिसको पीटा गया था, वो खुद क्या कहता है, सुनिए। हाँ, और मैंने कहा कि श्री अरुण जेटली को तो बयान देना होगा। हाँ, श्री अरुण जेटली के रहते हुए ये जो लोगों को मारा जा रहा है। हाँ, और मैंने कहा कि रोहित वेमुला जिंदाबाद, रोहित वेमुला की लड़ाई नहीं रुकेगी। जैसे ही मैंने ये बोला तो ये जो बीजेपी के एमएलए हैं ओम प्रकाश जी, हाँ, ये अपनी एक 10-12 लोग सुन लिया आपने, आपने सुना कि ये जो पत्रकार है ये वहां पर रोहित वेमुला जिंदाबाद, रोहित वेमुला जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। बहुत बढ़िया बेटा, सही पिटे तुम। खैर अब मैं आपको बताता हूँ, मीडिया वालों मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हारा काम ये है कि तुम वहां रिपोर्टिंग करने की जगह पर किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का सपोर्ट करो? क्या तुम्हारा काम ये है? या फिर तुम्हारा काम ये है कि तुम निष्पक्ष होकर, अनबियास्ड होकर खबरें दिखाओ? ये तुम्हारा है क्या? कोई बात नहीं, तुम कैसे कर सकते हो, तुम तो कांग्रेस फंडेड हो, है ना, कोई कांग्रेस को फंड करता है, जैसे एनडीटीवी हो गया, एबीपी हो गया, ये कांग्रेस फंडेड है, इंडिया टीवी हो गया, जी न्यूज हो गया, ये बीजेपी फंडेड है, तो अपने अपने चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं रोहित वेमुला के बारे में। रोहित वेमुला कौन है? रोहित वेमुला जो है वो एक बच्चा है, एक लड़का था, उसने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। ये लड़का कहता था कि स्वामी विवेकानंद जी वो फेक हैं और फ्रॉड हैं। ये लड़का जो है वो याकूब मेमन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, याकूब मेमन आतंकवादी। ये कहता था कि तुम कितने याकूब मारोगे, हर घर से याकूब निकलेगा। ओके, इसके साथ साथ इसने जिस दिन याकूब मेमन को फांसी हुई इसने कहा था कि मुझे अपने भारत के न्यायालय पर शर्म है। अच्छा, इसके बाद याकूब मेमन ने हमारे देश के बेचारे 250 लोगों को मारा था और 700 को घायल किया था। बहुत बढ़िया, और फिर भी तुम ये कहते हो कि रोहित वेमुला जिंदाबाद। शर्म आती है मुझे आप पर। कभी मैंने ये नहीं देखा कि कोई पत्रकार ये बोल रहा हो कि शहीद लांस नायक हनुमान थप्पा जिंदाबाद। आज तक किसी को नहीं बोलते देखा, आज तक किसी को इसलिए मार्च करते नहीं देखा कि हमारे देश के किसान जिंदाबाद। कभी नहीं देखा मैंने, पहली बार देख रहा हूं कि कोई गद्दारों के लिए तो बड़ा बहुत मतलब। दिखाओ चेहरा, दिखाओ चेहरा, एक एक करके सबका रंग सामने आएगा, टेंशन मत लो। सबको सबको भेजेंगे हम सीरिया, सबको सीरिया भेजेंगे, टेंशन मत लो। राजदीप सरदेसाई नमस्कार, कहां हो आजकल, दिखते रहिए, आईबीएन सर में दिखते रहिए, कहां हो आजकल, छोड़ दिया क्या, भगा दिया? अच्छा अच्छा छोड़ दिया, चलो ठीक है। वैसे आप चैनल तो बदलते रहते हो, कहीं एनडीटीवी, कहीं इंडिया टीवी, कहीं एफटीवी, कहीं दुनिया टीवी, खैर कोई बात नहीं, आजकल कहां हो वैसे? अच्छा क्रांतिकारी चैनल में हो, अच्छा अच्छा आज तक में हो, है चैनल बदल लिया, क्रांतिकारी नहीं हुए लेकिन, ठीक है भाई, ठीक है। आपने क्या लिखा राजदीप भाई? आपने लिखा कि आई एम प्राउड ऑफ एंटी नेशनलिटी, यानी कि मुझे गर्व है कि मैं देश के खिलाफ हूं। बहुत बढ़िया राजदीप भाई, हमारे देश में रहकर हमारे ही बैंड बजा रहे हुए हैं, और आपकी आपकी टीम देख लो, अभिसार शर्मा ये कहते हैं, एबीपी न्यूज के जो पत्रकार हैं ये कहते हैं आई स्टैंड विथ जेएनयू। आप जेएनयू के साथ खड़े हो, मैं भारत के साथ खड़ा हूं। और सुनो बरखा दत्त, राजदीप की वाइफ है, इन सब ने अपनी असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है कि महाराज हम देश में रह रहे हैं लेकिन हमें देश से बिल्कुल प्यार नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। सॉल्यूशन का नाम है गद्दार भगाओ आंदोलन। ये सर्विस हम शुरू करने वाले हैं बेहतरीन, बहुत जल्दी होगा। क्या इस सर्विस में, इस सर्विस में एक प्लेन चलाया जाएगा, वो प्लेन इंडिया से लेकर सीरिया तक चलेगा,
उस प्लेन का खर्चा पानी आपको नहीं देना है, उस प्लेन का खर्चा पानी हमारे देश के देशभक्त देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप, पैसा हम लोग खर्च करेंगे। होगा क्या, पासपोर्ट वगैरह भी सामान करवाएंगे, टिकट भी हम करवाएंगे, आप तो बस डेट बता दो कब जा रहे हैं सीरिया, उसी दिन आपका मैं फिक्स करा देता हूं। सीरिया जाओ, वहां बैठ के वहां बोलो आई एम एंटी नेशनलिस्ट, वहां बम ब्लास्ट करो, वहां दुनिया करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में रहना है तो आप प्यार से रहना पड़ेगा, देश का माहौल मत खराब कीजिए पत्रकारों, राजदीप जैसे पत्रकारों से मैं आज यही कहना चाहता हूं कि देश का माहौल मत खराब करो सरकार, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, है ना। अगली चीज, केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपको वोट मिल जाएंगे इस तरीके से जेएनयू के गद्दारों को सपोर्ट करके, तो महाराज बहुत बड़े कहीं झूठ में खोए हुए हो, सपने में सो रहे हो, उठ रहे हो, उठ जाओ, ठीक, कुछ नहीं होने वाला आपका। इसके साथ साथ अभी स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि नेशनल फ्लैग यानी कि हमारे देश का झंडा जो है वो हर एक कॉलेज में लहराया जाएगा, इससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारे देश का झंडा फहराया जाए तो प्रॉब्लम, आप हमारे भगवान श्री राम की फोटो जलाओ, आप हमारे राष्ट्रगान का पालन ना करो, पूरे क्लास के लोग राष्ट्रगान में खड़े हुए हैं, कुछ लोग मोबाइल चलाते हैं बैठ के, बहुत शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों पर। इसलिए आप जैसे गद्दारों को अब हमें देश से अलविदा करना होगा, और उन सब के लिए आप तो बस डेट बता दो आपको कब जाना है सीरिया, हम उस दिन आपको फिक्स करा देंगे, और उसी दिन आपका सीधे ट्रांसपोर्ट कराएंगे सीरिया में, वहीं बैठ के देखना आई एम एंटी नेशनलिस्ट, आई एम आई हेट इंडिया, आई दुनिया, आई फलाना, आई डोंट केयर, ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो नारे हैं वो एबीवीपी के लोगों ने लगाए थे, तो मैं आपको बता दूं अभी कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ सर्किल बना देने से या फिर कोई फेक वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एक एबीवीपी इसके ऊपर जेएनयू वाले मुद्दे पे एक और चीज बता दूं, ये उमर खालिद है उसका, कृष्णा कन्हैया, क्या नाम उसका, कृष्णा नाम उस लड़के का जो जेएनयू में पढ़ता था, ये जो है ये दोनों के दोनों, ये जो बाकी दिन की पूरी 14-15 लोगों की टीम थी, ये सबके सब जो है आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, आज तक कभी अपने देश के जो हमारे सैनिक है उनके लिए तो कभी श्रद्धांजलि का नहीं कहा तुम लोगों ने, हैं? याकूब मेमन की बड़ी याद आती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को तुम लोग ना इनकार करते हो, इससे बड़ी शर्म की चीज क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, उनको सपोर्ट करते हैं लोग, उससे बड़ी शर्म की चीज क्या हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, आप बता दो कब जाना है आपको, तब हम भेज देंगे। और हाँ, एक बार खराब घड़ी भी एक दिन में सही वक्त दिखाई देती है, सुधर सुधर जाओ महाराज, अभी भी टाइम है, वरना आपको जब चल रहा हूं तब बता देना, अच्छे से भेज देंगे। जय हिंद।